हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के जो हमारा प्रैक्टिस सेट है 2.3, जो हमारा 8 का लेसन है, पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल सेकेंड लेसन। तो ये वाला प्रैक्टिस सेट देख के आपको थोड़ा सा लगेगा कि हम लोग इस प्रैक्टिस सेट के अंदर क्या, हम लोग किस तरीके से ये सारी चीजें ड्रॉ करेंगे, हम इसमें हमें डिफिकल्टी होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दूं कि आपका जो प्रैक्टिस सेट 2.3 है, ये बहुत सबसे इजी प्रैक्टिस सेट है जितने भी आपने प्रैक्टिस सेट किए हैं अब तक सेकेंड लेसन के अंदर, चाहे आपका 2.1 हो, 2.2 हो, ओके। उनके कंपेरिजन में ये वाला प्रैक्टिस सेट बहुत ही सिंपल है, ओके। सिर्फ आपको इसके अंदर क्या करना है, आपको सिर्फ इसके अंदर जो पैरेलल लाइन है वो क्या करना है, ड्रॉ करना है, ओके। सिंपल सा पैरेलल लाइन ड्रॉ करना ही, यूजिंग आपका स्केल हो गया है, ओके, या फिर आपके बहुत सारे जो कंपास हो गया है उसकी मदद से, ओके, या फिर आपका जो यहाँ पे स्क्वायर सेट है उसकी मदद से। ये आपको ये सारी चीजें जो आपको इंस्ट्रूमेंट दिए जाते हैं, ज्योमेट्री इंस्ट्रूमेंट, उसका इस्तेमाल करके आपको क्या करना है, एक जो पैरेलल लाइन है वो आपको ड्रॉ करना है, ओके। तो क्या आप इसको सुन के आपको लग रहा है कि ये आपका प्रैक्टिस सेट हार्ड है? बिल्कुल नहीं है, ओके। और यहाँ पे आपको अलग अलग मेथड भी दिए हैं। जैसे यहाँ पे आपका जो सबसे पहला मेथड है वो आपका क्या है, पहला मेथड क्या है, आपका स्क्वायर सेट की मदद से, ओके। ये आपने कंपास बॉक्स के अंदर ऑलरेडी देखा होगा स्क्वायर सेट, ओके। आपको स्क्वायर सेट का इस्तेमाल करके क्या करना है, आपको पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, ओके। तो इस स्क्वायर सेट के अंदर क्या होता है, बेसिकली आपके पास एक तो आपका रूलर होगा यानी आपकी स्केल होगी। आप क्या करो, स्केल से आप सीधी एक लाइन खींच दो। हमने एक सीधी लाइन खींच दी, ओके। अभी आप क्या करोगे, आपको अगर सपोज यहां से हमें एक ये पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, ओके, तो क्या हम ये पर्टिकुलर लाइन पे पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आपको क्या करना है, ये वाला स्केल दिख रहा है, आपको ये वाला स्केल यहाँ पे रखना है इस तरीके से, ठीक है। हमने ये वाला स्केल इस तरीके से रखा। अभी यहाँ पे आपको मार्क करना है कि यहाँ पे जो नंबर है वो कौन सा आ रहा है, ओके। उसके बाद आप देख रहे हो कि ये वाला स्केल आपको इस तरीके से रखना है, ओके। आपने इस तरीके से स्केल रखा, उसके बाद आपको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। उसी तरीके से इस साइड भी आपको एक लाइन ड्रॉ करना है। अगर आप देखोगे जो हमारा फाइनल एक लाइन ड्रॉ होगा वो क्या होगा, एक दूसरे को क्या होगा, बिल्कुल भी पैरेलल लाइन आपको ड्रॉ किया हुआ देख सकते हो, ओके। उसके बाद सेकेंड वाला है, यहाँ पे आप स्केल की मदद से भी पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हो। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देखो कि सॉरी यहाँ पे स्केल नहीं है, यहाँ पे आपका जो ये आपका प्रोटेक्टर होता है, प्रोटेक्टर की मदद से भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो आपका पैरेलल लाइन है वो आप ड्रॉ कर सकते हो, ओके। आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ओके। परपेंडिकुलर का जो साइन है वो क्या कर रहा है, ये आपका एक सिंगल लाइन दिख रहा है नीचे, ये आपको सिंगल लाइन को आपको नीचे वाले लाइन पे रखना है, ठीक है। इस तरीके से आपने रखा, उसके बाद आपको सेंटर वाला जो लाइन है आपको यहाँ पे रखना है। इस एक पॉइंट पे आपको सबसे पहले तो दो पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ कर लेने हैं। दो पॉइंट हमने ड्रॉ किए हैं, आपने एक वाला पॉइंट जो सेंटर है सेंटर के सेंटर में रखा, ओके। उसके बाद आप देखो कि जो परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, आपका 90 डिग्री। तो आप 90 डिग्री को देखोगे कि 90 डिग्री कंपास के अंदर किधर है, ओके, कंपास बोल रहा हूँ सॉरी, प्रोटेक्टर के अंदर। उसके बाद यहाँ पे आप क्या करोगे, टिकमा करोगे, और उसके बाद आप सिंपली क्या करोगे, यहाँ पे एक जो स्ट्रेट लाइन है उसको आप यहाँ पे ड्रॉ कर दोगे, ओके। उसी तरीके से यहाँ पे आपका जो एन वाला पॉइंट है वो भी आपको सेम यहाँ पे आपको उसी तरीके से करना है, और इस तरीके से आप एक पर्टिकुलर पॉइंट तक आसानी से एक जो ये है पैरेलल लाइन है वो आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हो, ओके। तीसरा यहाँ पे दिया है आपका मेजरमेंट जो स्केल होता है उसकी मदद से, ओके। स्केल के ऊपर आपको पता है कि नंबरिंग होती है, जैसे यहाँ पे आप 1 इंच 2 इंच 3 इंच, ओके, ये आपकी क्या होती है, नंबरिंग होती है, ओके। क्या आप इस नंबरिंग की मदद से आप अपने जो मेजरमेंट है वो आप करते हो, ओके, बिल्कुल करते हो। उसी तरीके से अगर आपको कहा जाए कि 2.5 का आपको पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है तो आप क्या करोगे, सिंपली यहाँ पे दो पॉइंट लोगे, एक पॉइंट ये एक पॉइंट वो, ओके, और आपको 2.5 के ऊपर यहाँ पे निशान लगाना है, और यहाँ पे दोनों पॉइंट को ज्वाइंट करते हुए एक लाइन क्या करनी है, स्ट्रेट लाइन यहाँ पे खींचनी है, ओके। उसी तरीके से यहाँ पे जो पैरेलल लाइन है वो आसानी से यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा, ओके। यहाँ पे अगर आप देखो तो क्वेश्चन भी आपको दिया है, ओके। तो क्वेश्चन भी अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाएंगे कि किस तरीके से आपको यूजिंग स्केल, आपका प्रोटेक्टर, ओके, आपका जो स्क्वायर सेट है उसकी मदद से आप किस तरीके से यहाँ पे कंप्लीट एक जो पैरेलल लाइन है वो आप ड्रॉ कर सकते हो, ओके। यहाँ पे आपको पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ किया, ओके।
सपोज कि ये मेरे पास एक लाइन है L, ओके अभी इस लाइन पे आपको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो पॉइंट ऑलरेडी हमने ले लिए, ओके चाहे आप स्केल की मदद से करोगे तो हम स्केल की मदद से क्या करते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं 3, ओके 3 सेंटीमीटर का, यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे आपका 3 सेंटीमीटर का, ओके और इस पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे आपका ज्वाइंट कर देते हैं, ओके तो ये आपका पॉइंट कौन सा हो गया एम। और आप देखोगे कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्या है, एल और एम एक दूसरे को क्या है पैरेलल है, ओके तो इस तरीके से आपने यूजिंग स्केल आपने ये किया। उसी तरीके से आप क्या करोगे, यहाँ पे आपका जो प्रोटेक्टर है वो आप रखोगे, ओके ये आपका प्रोटेक्टर का सेंटर होगा, सेंटर से आप क्या करोगे 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल खींचोगे, ओके एंगल खींच के आप क्या करोगे उस एंगल दोनों को ज्वाइंट कर दोगे, और जिसकी मदद से आप यहाँ पे जो पैरेलल लाइन है वो आप आसानी से फॉर्म कर सकते हो, ओके सेम यहाँ पे आपको जितने भी क्वेश्चन दिए हैं सेम क्वेश्चन आपको उसी तरीके से करना है, ओके यहाँ पे अगर आप स्क्वायर सेट का इस्तेमाल करते हो तो स्क्वायर सेट का भी मदद से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो पैरेलल लाइन है वो आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है इस तरीके से आप स्क्वायर सेट का इस्तेमाल करके आप पैरेलल लाइन आसानी से ड्रॉ कर सकते हो, ओके तो इस तरीके से यहाँ पे भी आप एक पैरेलल लाइन को क्या कर सकते हो ड्रॉ कर सकते हो, ओके तो ये आपका एल हो गया, ये आपका एम हो गया। उसके बाद आपका प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्टर के भी इस्तेमाल से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे पैरेलल लाइन है वो आसानी से ड्रॉ कर सकते हो, ओके आपको सिंपली ये क्या करना है प्रोटेक्टर को रखना है, आपका ये सेंटर हो गया, ये आपका क्या हो गया 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर, यहाँ से आपको एक पॉइंट खींचना है, ओके और इस पॉइंट को क्या करना है सिंपली आपको ज्वाइंट कर देना है, ओके तो ये आपका क्या हो गया एल और एम एक दूसरे को पैरेलल फॉर्म हो जाते हैं, ओके तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी यहाँ पे अगर आप चेक करो तो यहाँ पे आपको डिस्टेंस दिया है 4 सेंटीमीटर का, तो यहाँ पे आपको यूजिंग स्केल ये करना है 4 सेंटीमीटर का यहाँ पे आपको लाइन लेना है, ओके दो पॉइंट लेना है जब भी आपको स्केल कहा जाए, क्योंकि आपको बिल्कुल भी करेक्ट आपको इनकरेक्ट नहीं करना है क्वेश्चन को, अगर आपने दो पॉइंट लिया है तो आपको एक बहुत प्रॉपर आइडिया होता है कि आपको लाइन को कहाँ पे ज्वाइंट करना है और आपकी जो लाइन है स्ट्रेट है या नहीं है, ओके तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 1, 2, 3 ये तीनों क्वेश्चन हमने किस तरीके से सॉल्व किए हैं, ओके फिर भी अगर आपको इसके अंदर कोई डाउट होगा या फिर आपको कुछ पूछना होगा तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हो, ओके और हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे आपको बहुत सारी जो चीजें हैं वो आपको मिल जाएगी, वहां पे बहुत सारे और भी स्टूडेंट हैं उनके साथ आपका इंटरेक्शन हो जाएगा, और प्लीज आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम लोग ऐसे ही बहुत सारे जो वीडियोस हैं वो आपके लिए बनाते रहें, ओके और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।